मक्के को उड़ा देता भाई। थोड़ी बातें शाटें कर लेते हैं। IBW एक ऐसा इवेंट होता है। I'm fed up of this man। यूनिवर्सिटी रोड पे हम नहीं जाएंगे, समझ रहे हो? भावनाएं पकड़ रहे हो ना? गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्ण। दिस इज रॉकी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटर रॉकी। आज है 6 दिसंबर मंडे और टाइम हुआ है 9:28 और एज यूजुअल ऑफिस जाएंगे पहले, लेकिन उसके पहले रास्ते में मिलना है किसी को, तो उनको मिलते हुए चलेंगे। Three hours later. तो अभी बज चुके हैं। अरे उड़ा देता बके को, उड़ा देता भाई, बजाने में तेरे बज जाते। एनीवेज तकरीबन 12:05 हुए हैं, अभी घड़ी की तरफ नहीं देखना। ट्रैफिक, That's what we have. तो चलिए ट्रैफिक में थोड़ी बातें शाटें कर लेते हैं। जो भी बाइक वर्ल्ड से रिलेट करते हैं या जो भी बाइक वर्ल्ड को फॉलो करते हैं, तो उनको मालूम होगा कि अभी अभी इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट IBW 2021 बोल दो या 2021 अभी कंप्लीट हुआ पुणे के आसपास। हर बार गोवा में होता है कंप्लीट, पर इस बार कुछ पुणे में हुआ था। और हाँ, उसमें भी जाना अपना ड्रीम है, लेकिन ऐसे नहीं, ये बाइक पे नहीं, कोई अच्छी वाली बाइक लेंगे और उस बाइक पे हम वो इवेंट को अटेंड करेंगे। IBW एक ऐसा इवेंट होता है कि जिसमें पूरे इंडिया से और कई बार तो बाहर से भी लोग आते हैं, अपनी बाइक दिखाते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी कुछ नया अनाउंसमेंट होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत हैपनिंग प्लेस होती है। 2 या 3 दिन का शायद इवेंट रहता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, तो हमें भी जाना है अपना बाइक लेके। तो देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है, अगले साल या उससे अगले साल, जब अपने पास एक अच्छी वाली बाइक हो, कम्यून बाइक ना हो पर उससे भी अच्छी बाइक हो, तो उसको लेके हम चलेंगे। जब कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, गोवा में हो या पुणे में हो या इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, हम वहाँ अपनी बाइक लेके जाएंगे। खुद कंफ्यूज हुई, हमें भी कंफ्यूज कर दिया। A few moments later. चलिए ग्रीन हो गया सिग्नल, ट्रैफिक का फिल्टरिंग करेंगे, लेकिन ये अंकल लोग सही है। क्या बात है, क्या भैया गर्मी बहुत बढ़ गई अंदर से हैं? 4 hours later. तो भाई अभी बजे हैं शाम के 4:47 और हम अभी जा रहे हैं गुरुद्वार रोड पे, कुछ छोटा सा काम है तो वही फिनिश करेंगे और उसके बाद जाएंगे ऑफिस। आज दोपहर के व्लॉग्स मैंने देखे और उसमें वापस से माइक का प्रॉब्लम आ रहा है, नॉइस डिस्टॉर्शन काफ़ी थी, तो आई एम फेड अप ऑफ दिस मैन। मैं अभी कंटाल चुका हूँ कि अभी क्या कर सकते हैं, कब आता है और कब गायब हो जाता है वो पता ही नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हेलमेट के अंदर माइक की पोजीशनिंग में कुछ प्रॉब्लम है,
अभी मैंने दोपहर को जब चेक किया और बाद में पोजीशन थोड़ा और सिक्योर किया तो माइक तो नॉइस डिस्टॉर्शन का जो प्रॉब्लम था वो भी गायब हो चुका है, लेकिन बार बार हेलमेट निकालने पहनने में वो थोड़ा लग ही जाता है, वो अपने पोजीशन से हिल ही जाता है। पता नहीं क्या कर सकते अभी तो। अपने को जाना है सामने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। A few moments later, हम लोग वापिस आगे से यू टर्न लेके इसी पॉइंट पे वापिस आएंगे। जो चार रास्ते से हम निकले उसी चार रास्ते पे वापिस आएंगे। देखिए वो आगे पॉइंट है और हमको इसी कॉम्प्लेक्स में जाना है। Fifteen minutes later. चलिए तो यहाँ से हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं ऑफिस। आज का जो वीडियो रिलीज हुआ है संडे फन राइड वाला, उसके लिए जैसे कि आज आपने वीडियो देखा ही होगा कि मैं यूनिवर्सिटी रोड पे गया था और अब मैंने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट संडे यूनिवर्सिटी रोड पे हम नहीं जाएंगे। आप बोलोगे क्यों नहीं जाओगे भैया, कल वीडियो में तो बहुत बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। हाँ मज़ा आया, नो डाउट काफ़ी मज़ा आया, पर जैसे कि कल के ही वीडियो में आप देखोगे कि मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ कि बम्पर टू बम्पर स्ट्रेच आ रहे हैं, यानी रोड पे बम्पर्स बहुत ज़्यादा है। भैया राइड का मतलब ये नहीं होता कि बम्पर के ऊपर से लेना, यानी स्पीड को ब्रेक करते रहना। कुछ एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम सीधा सीधा खींच सके, एक लंबा स्ट्रेच चाहिए कि जहाँ पर हम कंटिन्यूसली 60-70 पे बाइक को खींच सके। ऐसा स्ट्रेच तो कल मिला ही नहीं, ऑल दो मज़ा काफ़ी आया। इसीलिए मे बी नेक्स्ट संडे हम यूनिवर्सिटी रोड पे नहीं जाएंगे, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि भाई क्यों ना आउटर रिंग रोड पे चला जाए। आउटर रिंग रोड यानी स्टेट हाईवे यानी, अगर आपने मेरा इस चैनल का सबसे पहला वीडियो देखा होगा सूरत टू पलसाना, और वो वाले वीडियो में मैं स्टेट हाईवे पे ड्राइव किया था, तो शायद उसी हाईवे पे चलेंगे। ऑल दो उस पर भी बम्प तो है ही है, पर कंपेरेटिवली कम है और हम एट अ स्ट्रेच खींच सकते हैं। शायद नेक्स्ट संडे उसी हाईवे पे चलेंगे, तो थोड़ा प्लान थोड़ा रूट देखे। तो जैसे कल हम गए थे यूनिवर्सिटी रोड से, तो अगले संडे भी यूनिवर्सिटी रोड से ही जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके स्टेट हाईवे पे कनेक्ट होता है, तो वहीं से स्टेट हाईवे पे कनेक्ट करेंगे और सचिन तक शायद जाएंगे खींचते हुए। ये काफ़ी लंबी राइड हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, सचिन तक जाएंगे और वहीं से यू टर्न मार के वापिस से आएंगे सेम रूट से, यानी वापिस से अपन यूनिवर्सिटी रोड से ही आएंगे। अगर चाहूँ तो वापसी में मैं रास्ता काट भी सकता हूँ, पर नहीं, अपना मेन पर्पस है राइडिंग करना, तो राइडिंग तो तभी होगी जब लंबा स्ट्रेच मिलेगा, और जितना ज़्यादा हम स्टेट हाईवे पे बिताएंगे उतनी अच्छी राइडिंग क्वालिटी आएगी। तो हाँ
नेक्स्ट संडे हम जाएंगे स्टेट हाईवे पे, आउटर रिंग रोड जैसे बोलते हैं। अभी दोपहर को जाए या सुबह जाए वो तो बाद में देख लेंगे। अरे हर बार भूल जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ जो डाइवर्जन रोड है वो काफ़ी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दिमाग में आया कि जब से डाइवर्जन चालू हुआ होगा तब से लो बर्ड्स के लिए परेशानी हो गई होगी। पूछोगे पूछो क्यों? क्योंकि ये रोड वैसे जनरली कोई लेता नहीं है, तो यहाँ से चालू करके जब आगे जो मेन रोड पे कनेक्ट करेंगे वहाँ पे कई बार लो बर्ड्स बैठते हैं। समझ रहे हो? भावनाएं पकड़ रहे हो ना? हाँ, तो ये लो बर्ड्स वाला रोड है। ये भेलपुरी वाला काफी फेमस है। अभी तो खैर शायद इतना रहा नहीं, लेकिन पुराने टाइम में काफ़ी फेमस था। लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आते थे भेलपुरी खाने। चलिए अच्छा है, रिकॉर्डिंग चल रही है मैंने देख लिया है, क्योंकि बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। क्योंकि ये वही बैटरी है जो मैंने कल दोपहर को रिप्लेस किया था जस्ट बिफोर डूइंग माय संडे फन राइड। तो हाँ, वही बैटरी है। अभी शायद ऑफिस जाके मैं रिप्लेस कर ही दूंगा, क्योंकि रात को शायद चले ना चले क्या पता। और अभी टाइम हुआ है 5:15 और अभी अब तक अपने कॉफ़ी डेट का भी कॉल आया नहीं है, तो शायद वो आज बिजी होगा तो नहीं जाएंगे, देखते हैं। 2 hours later अभी बजे है 6:44 और वी आर ऑन द वे बैक टू होम। ऑफिस से निकला तब एक कॉल आ गया था तो रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया, और हमने ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो काट लिया है। इसी बात पे व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। अगर सब कुछ सही है तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है, मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली।